दोस्तों जी न्यूज पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई थी, हम दिखाना चाहेंगे। एक छोटा सा बच्चा है वो घास मंडी में मिला और फिलहाल कोतवाली थाने में लाया गया। अगर कोई भाई पहचानता हो तो उसे परिजनों को तुरंत सूचित करें दोस्तों। और फिलहाल बच्चा कोतवाली थाने में है। दोस्तों ये बालक है, आप देख सकते हो ये रंगी चप्पल पहन रखी है इसने। और ये बालक है और कोतवाली थाने में है और इस टाइम घास मंडी में रोता हुआ मिला है। और ये सज्जन है, ये सज्जन है, इनको मिला। कहाँ पे मिला था सर आपको? ये हमको घास मंडी में मिला था। ये बालक घास मंडी में रोता हुआ दिखा हमको, तो फिर हम इसको पहले तो चारों तरफ जाके देखा जी, देखा कहीं किसी को मिल जाए, तो ये हमको कहीं पे भी नहीं मिला, तो फिर हमने इसको जाके थाने में सुपुर्द कर दिया। हेलो, हाँ जी बोल रहे हैं, बताइए। हेलो हेलो, अभी बाद में बात करना, कोई लाइव पे हूँ अभी। दोस्तों ये बालक है और फिलहाल कोतवाली थाने में लाया गया है। और ये कहीं से बालक आ गया है बिछड़कर। हमारा जी न्यूज पोर्टल के दर्शकों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये बालक परिजनों तक पहुंच सके। दोस्तों आप देख सकते हो ये बालक है, बिल्कुल 4-5 साल का बालक होगा और फिलहाल कोतवाली थाने में है मौजूद। क्या नाम बेटा तेरा, नाम क्या है? मम्मी कहाँ है? पापा? भैया कहाँ? भैया दोस्तों देख लो ये बालक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस बच्चे को, अपने परिजनों तक पहुँचाना। दोस्तों जी न्यूज पोर्टल के दर्शकों से नमस्कार। और दोस्तों हम कहना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ये बालक लावारिस अवस्था में मिला है घास मंडी में। और जिन किसी के बच्चा हो या कोई पहचानता हो उस बच्चे को तुरंत कोतवाली पुलिस को सूचित करें या हमें जी न्यूज पोर्टल पर सूचित करें। दोस्तों कौन की? क्या नाम बेटा तेरा, नाम क्या है आपका? ये नाम भी नहीं बता पा रहा है। मम्मी कहाँ रहते बेटा, घर कहाँ है अपना? घर जी जी कहाँ जी जी? अम्मा दादी? दोस्तों देख रहे हो दोस्तों, कुछ भी ये बालक बता नहीं पा रहा है। पूरी फोटो दिखा दो, दूर से फोटो दूर कर दो। और ये रंग की चप्पल पहन रखी दोस्तों, और काले रंग की चड्डी और पीले रंग की टी शर्ट पहन रखी है इस बालक ने। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? स्कूल जाते हो, पढ़ने जाते हो क्या? दोस्तों दिखा रहे हैं हम, ये बालक है और लावारिस अवस्था में मिला है घास मंडी के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस खबर को शेयर करें। और फिलहाल ये बच्चा कोतवाली थाने में लाया गया है और बच्चा कुछ भी बोल नहीं पा रहा दोस्तों। क्या नाम बेटा, नाम क्या अपना? नाम मम्मी? मम्मी कहाँ है? किसके साथ में आया था तू? लगता है दोस्तों ये कल्याण जी गेट के आसपास का ही है और घास मंडी के आसपास का ऐसे ही माँ से रोते हुआ मिला है ये। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें। बेटा आ रही है मम्मी? आ रही है मम्मी? रोना नहीं, रोना नहीं, मम्मी आ रही है, मम्मी आ रही है, मम्मी आ रही है बेटा, अभी ना आ रही है, अभी मम्मी आ रही है, मम्मी आ रही है बेटा, रोना नहीं, अभी आ रही है मम्मी, है ना? मम्मी के पास चलोगे? मम्मी के पास अभी लो। क्या नाम है आपकी भैया, क्या नाम है? दोस्तों ये बालक कुछ भी बोल नहीं पा रहा है और हमारा आपसे सभी से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा इस बालक की खबर को शेयर करें, जिससे बालक को परिजनों से मिलाया जा सके। और फिलहाल गंगापुर सिटी के दोस्तों, गंगापुर सिटी के कोतवाली थाने में इस बालक को लाया गया है।
और इन भैया को घास मंडी में रोता हुआ मिला था, किस अवस्था में मिला सर आपको? इसी अवस्था में मिला था, ये बालक रो रहा था और इसके हाथ में मार्क्स था और ये चारों तरफ घूम रहा था, रो रहा था। जब मेरे को हमको दिखा तो हमने डर के पहले तो चारों तरफ इसको दिखवा दिया भाई, किसी का हो तो पता चल जाए, पर ये कहीं नहीं मिला हमको, तो फिर हमने इसको थाने में ले आया। घास मंडी में मिला था? हाँ, घास मंडी में मिला था। दोस्तों ये वाला घास मंडी में मिला है और हमारा आपसे निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें जिससे परिजनों को मिलाया जा सके। और ये बालक कुछ भी बोल नहीं पा रहा है, और जितने भी हमारे दर्शक है घास मंडी के आसपास के कल्याण जी मंदिर के, उनसे निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सकता है ये बालक मई का हो, मई पर रोता हुआ मिला दोस्तों ये। दोस्तों ये बालक बोल नहीं पा रहा बिल्कुल भी, हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं इसको लेकिन बालक बोल नहीं सकता। ये ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस खबर को शेयर करें और हमारा निवेदन है जिससे ये बालक के परिजनों तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि इसके बालक के परिजन भी परेशान हो रहे होंगे। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस खबर को, इस बालक के परिजनों को मिलाना है इससे, और इसके परिजन भी परेशान हो रहे होंगे।